कायद आगाज आपको बताएंगे। लाहौर में साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा के घर पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है, जिसमें उनका मुलाजिम जख्मी हो गया जबकि हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस में इत्तला मिलते ही जाय वुकूअ पर पहुंच गई। घर के बाहर से गोलियों के कई खोल मिले हैं। गोलियां घर के दरवाजे को चीरती हुई अंदर खड़ी गाड़ियों को लगी। इसी मामले पर साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आवाज़ न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आपके घर पर फायरिंग का वाकया पेश है, इस हवाले से बताइएगा। देखें, हम काम कर रहे थे, मैं एक केस लिखवा रहा था और मेरे साथ साहिल भी बैठे हुए थे। काम कर रहा था तो कहीं क्लाशनकोफ के ब्रश की आवाज आई या बेटी मेरी कहने लगी डैड ये है। तो मेरा जो साहिल बैठा हुआ था वो चूंकि एसएसपी भी रहा, उसने कहा कि ये क्लाशनकोफ चला है। तो उस एक ही दम मेरा नौकर भागता हुआ आया कि मुझे गोली लगी है। तो फिर जब देखा तो वहां शेल्स भी पड़े हुए थे गोलियों के और मेरी गाड़ी पर भी गोलियों के निशान से, बीटी जो ब्लैक है कलर की जीप उस पे भी गोलियों के निशान थे, गेट के ऊपर भी गोलियों के निशान थे और होल जो है बाहर पड़े हुए थे। 15 पे फोन किया तो वो जो है माशाल्लाह वो बेचारे पुलिस वाले आ गए। तो मैंने कहा भाई तुम कौन हो, कोई तुम्हारा अफसर भी है ये यहाँ, बेनजीर भुट्टो भी यहाँ इस घर में रही, यहाँ ये गवर्नर हाउस भी रहा जब मैं गवर्नर था, तो ये कैंप ऑफिस था गवर्नर हाउस और ये रेड जोन एरिया है, यहाँ तो कोई चीली पर नहीं मार सकती, यहाँ कैसे क्लाशनकोफ 24 घंटे यहाँ पहरा होता है। तो मैंने कहा आईजी साहब को बुलवाओ, वो अगर तशरीफ ले आए तो मैं उनको कोई शिकायत भी करूं। आप तो बेचारे मजलूम सिपाही हो, मैं आपको क्या दास्तान बयान करूं। मेरे बेटे बलकशेर खोसे को जब गोली लगी थी तो आज तक उसका तो पता नहीं चला है। वो लाहौर में वो भी उसको गोली मारी थी ये यूनिवर्सिटी कैंपस के बिल्कुल गेट के ऊपर। तो फिर आपने ढूंढना किसे? इस फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जख्मी हुआ है। जी हुआ है, मेरा नौ मुलाजिम हुआ है, उसकी टांग पे गोली लगी है। ठीक है, तो अभी पुलिस वहां पे मौजूद है? पुलिस मौजूद है जी बाहर, वो बेचारे उनसे मैं क्या बात करूं। ये तो कोई आए तो अफसर आए, आईजी आए तो फिर बात भी बनती है, लेकिन इन बेचारों को क्या मैं कहूं। तो पुलिस वाले बाहर खड़े हुए हैं, मैं तो खैर अंदर बैठा हूं। मैंने कहा आईजी आएगा तो मैं बात करूंगा, उसको अंदर भेज दें। अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिस हवाले से आपको बता रहे हैं। लाहौर में ये वाकया पेश है जहां पे साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग हुई है। फायरिंग से मेरा ड्राइवर जख्मी हुआ है, हमला आवर फरार हो गए हैं। सरदार लतीफ खोसा की जानिब से बताया जा रहा है, सरदार लतीफ खोसा के घर के बाहर से उनके गोलियों के कई खोल मिले। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है सरदार लतीफ खोसा, आपका बहुत शुक्रिया। और आपको इसी हवाले से बताएंगे, माहिर कानून एतजाज हसन ने भी सरदार लतीफ खोसा के घर पर हमले की मजम्मत करते हुए हमलावरों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है।